हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बागवान चैनल में। आज आपको बताएंगे TSO स्प्रे के बारे में, साथ में जिन लोगों के जो माइट थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो साथ में ये हम डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो है सिंजेंटा वालों का है और इसका MRP की बात कर ले तो 429 रुपये है इसका। एक अलेक्सिस का जो है नाम है, आप देख सकते हैं 250 ml जो है डोज, ये 200 लीटर पानी में डलेगी, इससे जो आप माइट है वो माइट के अंडे है वो जो है नष्ट हो जाएंगे। वैसे जो होता है TSO से जो है हमारे, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है संजय स्केल हो गया, यूरोपियन लाल मकड़ी हो गई और हानिकारक कीड़ों के अंडे हो गए, लार्वा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, आप देख सकते हैं इसको। और जब भी इसकी आप स्प्रे करें तो जो आपका पानी है उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा ठंडा ना हो। इसकी जो डोज रहेगी TSO की वो रहेगी 6 लीटर 200 लीटर पानी में, सॉरी 194 लीटर पानी में आप जो है डाल दीजिए एक 6 लीटर TSO, और साथ में जो है आपने इसको डालना है। तो आपके जो कीड़ों की संख्या है अगर ज़्यादा है या माइट से आपके पत्ते झड़े हैं तो उन उस पर भी जो है कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल करती है, ऐसा कंपनी का कहना है। बाकी प्रैक्टिकली आपको इसके रिजल्ट बाद में बताएंगे कि क्या इसका असर रहता है। तो चाहे तो आप लोग इसे कर सकते हैं, ना चाहे तो ये भी जो है पूरा काम कर लेता है अगर आपके जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डोज जो है ज़्यादा इसकी ना डाले, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये जो आप देख सकते हैं और चोलो कंपनी का TSO है ये, और 20 लीटर की है ये, पड़ा होगा 2700 के करीब करीब जो है इसका MRP है, 140 रुपये समझ लीजिए आप इसका जो है लीटर। बाकी सर्वो का भी आता है, मैक्स का आता है, तो सर्वो का जो है ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, बाकी आप लोगों को जो सही लगे वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है 24 लीटर हमने डाल दिया है, ये 800 लीटर पानी है इसमें TSO, और बाकी ये हम डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एक अलग जो है इसका EC25 है, आप देख सकते हैं ये जो है दो हम इसमें डाल देंगे, 250 ml की जो है डोज इसकी 200 लीटर के ड्रम के लिए बोल रहे हैं। और इसकी जो वो है वो आपको मिलेगी, इससे जो माइट में हेल्प आपको मिल जाएगी, और जिनके ज़्यादा माइट थी अदरवाइज आपको डालने की जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको अच्छे से आप जो है मिक्स कर ले, इस तरह से नीला नीला सा जो है आपका पानी हो जाएगा। TSO पहले मिला दे आप, और जो पानी हो थोड़ा आपका सील गर्म रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी इसकी स्प्रे जो है आप नीचे से लेकर ऊपर तक, तनों से लेकर ऊपर तक करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा अच्छे से है, ताकि जो है TSO की फिल्म भी इसमें बन जाए आपके। दोस्तों जब भी आप TSO की स्प्रे करें तो कुछ इस तरह से करें, ऊपर से नीचे तक जड़ों में भी जो है काफ़ी अच्छे से आप स्प्रे करें, नीचे तने से लेकर ऊपर तक और बिल्कुल ऊपर तक, क्योंकि जो है स्प्रे है बड़ा पेड़ है, आप देख सकते हैं बड़े पेड़ों में जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, आप देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मली आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर पहुंच रही है, पर ये जो है ढंग से ऊपर नहीं पहुँच पाती। तो स्प्रे जो है आजकल की आप बहुत अच्छे से करें, और आजकल जो स्प्रे है वो आपके ज़्यादा लगती है, और जब पतिया होती है उस वक्त जो स्प्रे है वो कम लगती है। कारण ये है कि अभी जो है आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, पूरे टहने में नहीं जाती, पत्तियों के टाइम में जो है वो रुक जाती है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो एक साइड से जो है दूसरी साइड के लिए जो है जो आपकी दवाई है नहीं जा पाती उस वक्त जब पत्तियाँ होती है, आजकल खाली है तो क्रॉस हो जाती है, जिस वजह से जो दवाई है वो हमारे ज़्यादा लगती है, और जो पेड़ है वो भी भीगे हुए नहीं लगते। आपकी जो फ्लेम है कुछ इस तरह से बननी चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं एक टाइप की जो है लेमिनेशन सी इसमें हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है कलर है अच्छा है, अच्छे से आप घुले, यहाँ देख सकते हैं आप इसमें भी जो है हो चुकी है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो आप कलर देख सकते हैं। अभी तो खैर इतना सूखा भी नहीं है ये,
तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमें इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।